सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई जिलों के व्यापारी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में व्यापारियों ने सपा की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी व्यापारी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। कई जिलों के व्यापारियों ने थामा है सपा का दामन। आपको बता दें कि सपा व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रही है। सपा व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आज कई जिलों के व्यापारियों ने थामा है सपा का दामन, जिसमें एक कार्यक्रम में भारी संख्या में व्यापारियों ने सपा की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी व्यापारी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। सपा व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां सपा व्यापारी के लोग शामिल हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कई जिलों के व्यापारी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में व्यापारियों ने सपा की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी वर्ग को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, और समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगा, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी, ये जो सपा ने जो एक आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आपको बता दें, चुनाव का दौर चल रहा है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। उसी क्रम में जैसे सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, इसी क्रम में सपा ने अब व्यापारी सम्मेलन करना शुरू कर दिया है। आज पहला व्यापारी सम्मेलन राजधानी लखनऊ में जो है सम्पन्न हुआ, जिसको व्यापारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया है। इसमें लखनऊ मंडल के साथ साथ अदर कई जिलों के भी व्यापारी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य जिले सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, हरदोई और लखनऊ के व्यापारी नेता शामिल हुए, और उनसे जो है सपा के द्वारा एक अपना सुझाव पत्र भी मांगा गया है, जिससे जिसको अखिलेश यादव जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। अश्वनी, ये जिस तरीके से व्यापारियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं, वो किस तरीके के सुझाव उनसे मांगे जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि व्यापारियों को किस किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए उनसे सुझाव मांगा गया है कि व्यापारी क्या चाहते हैं, उन्हें किस किस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या सुझाव है, किस तरीके से उनकी समस्या का निस्तारण हो सकता है, इसको लेकर के व्यापारियों से सुझाव पत्र मांगा गया है, और उस सुझाव पत्र को सपा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, और ये एक अहम मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव का। व्यापारियों से सुझाव मांगने का मेन मुद्दा क्या है? क्यों सिर्फ व्यापारियों से ही इस तरीके के सुझाव मांगे जा रहे हैं? बाकी और लोग भी तो हैं जिनसे सुझाव मांगे जा सकते हैं, पर सिर्फ व्यापारियों को टारगेट करने का क्या मेन मुद्दा हो सकता है? जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, उसी क्रम में अब व्यापारी सम्मेलन भी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपा, जो व्यापारी नेता हैं, उनको सपा अपने साथ जोड़ेगी, क्योंकि एक व्यापारी वर्ग ही ऐसा है जो हर तरीके से सक्षम होता है, और चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका होती है व्यापारी वर्ग की। सपा ने व्यापारी सम्मेलन करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास है सपा का। ये तो क्या व्यापारियों से क्या किसी को अपने पार्टी में कार्यालय में जगह भी दे सकती है? जी बिल्कुल, जगह दे सकती है। जिस तरीके से सभी वर्ग के नेताओं को जगह मिलेगी, ऐसे में व्यापारी नेताओं को भी जगह मिलेगी सपा में, और इसीलिए उनसे सुझाव भी मांगा गया है कि किस किस तरीके की उनकी समस्याएं हैं, उनका क्या निस्तारण है, उस चीज को लेकर के आज एक व्यापारी सम्मेलन था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को जोड़ा गया है, और ये भी कहा गया है कि आगे भी ऐसा व्यापारी सम्मेलन होता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को सपा के साथ जोड़ा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
पार्टियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो सुझाव मांगे थे उस पर काफी हद तक आज आयोजन में बैठकें की गई हैं, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी।